तो हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं, तो मौसम का आप नज़ारा देख सकते हैं कैसा है। अभी देखिए पहाड़ियों पर जो कोहरा छा रखा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो भाई आजकल सावन वैसे ही चल रहा है, तो सावन में तो ये रूप दिखाना जाहिर सी बात है। और सूर्यदेव आप हल्का सा देख सकते हैं, बहुत हल्की लाइट में दिख रहे हैं। पर बात की जाए अंदर की, तो यहाँ पर मेरे लिए चाय और श्री राम पापड़ भी लाए गए हैं। वाव! तो चलिए सुबह के साथ पहले चाय और पापड़ खा लेते हैं, उसके बाद आगे की ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ हाँ, मजा आ गया। भाई साहब चाय तो मैंने पी ली है और अभी मैं प्रकृति का मजा ले रहा हूँ, क्योंकि मौसम खेल खेल रहा है। लगा ऐसा रहा जैसे धूप आएगी, लेकिन अगर मैं घाटियों पे देख रहा हूँ तो बिल्कुल कोहरा लग रहा है। अरे वाह, आज इतने सारे मेडल देख लिए मैंने अपने। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में इतने सारे मेडल है, और इनकी भी अपनी कहानी है। क्योंकि जब हम बचपन में कॉलेज लाइफ में हम पढ़ते थे, तो हम मेरी एक ये आदत थी कि मैं हर क्रिकेट में भाग लेता था। अगर हमारे गाँव के लोग नहीं भी खेलते थे तो मैं इधर उधर लोगों के गांव से खेलता था। और किस्मत ऐसी थी कि अगर कोई चीज़ आप दिल से करो ना, तो आपका साथ हर कोई देता है। तो मतलब मेरे को बैटिंग अच्छी थी और मैं बैट्समैन, खास तौर पर बैटिंग ही था, तो मतलब बैट्समैन था मैं। और काफ़ी जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था वो था लेग साइड। अगर किसी ने लेग साइड बोल दे दी तो वैसा वो छक्के के पार जाती जाती थी, हो जाते ना किसी को आदत पड़ जाती है। तो मेरा लेग बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इतने सारे जो मेडल हैं ये मैंने क्रिकेट में जीते हैं। और इसकी भी एक कहानी है, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो जब हम सेमीफाइनल तक जाते थे ना, तो किस्मत ऐसी थी कि हमेशा फाइनल में हम हार जाते थे। बैड लक बोल सकते हैं आप उसको, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी फाइनल में हम हार जाते थे। या मैं नहीं चलता था उस दिन, या कोई और नहीं चलता था, तो अकेला चढ़ा तो वैसे भी भार नहीं फोड़ता है। तो मतलब किस्मत में यह था कि हमेशा फाइनल में हारना ही था। और भाई इतना बुरा लगता था ना जब फाइनल में हारते थे, भगवान कसम खा रहा हूँ, दो दो तीन तीन दिन तक नींद नहीं आती थी। पता नहीं क्या लगता था कि यार मैंने वहाँ पे क्या गलती की। कभी जिसने कैच छोड़ दिया कि अरे यार वो कैच पकड़ लेता तो मैच हमारे हाथ में होता। कहीं हम सोचते अबे यार वो फील्डिंग ऐसी होती तो मैच हमारे हाथ में होता। कई बार मैं सोचता अबे यार मैं थोड़ा टिकावा रहता तो मैच हमारे हाथ में होता। सच में वो क्रेज अलग ही होता यार। और हमारे उत्तराखंड में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं ना क्रिकेट के मामले में। अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ों में जाओगे ना, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय में उतने खिलाड़ी नहीं मिलेंगे जितने हमारे पहाड़ों में मिलेंगे आपको। और फील्डिंग के मामले की बात की जाए, तो भाई जिन्होंने बचपन से ही एक खेत से दूसरे खेत में छलांग मार मार के फील्डिंग कर रखी है, अगर आप उनको मैदानों में फील्डिंग कराओगे ना, तो 5-10 मीटर तक तो ऐसी घसीट घसीट के वो डाई मार सकते हैं। इतनी भयंकर पावर होती है उनके अंदर। तो कुल मिला के बात ये कि हमारे उत्तराखंड में क्रिकेट वालों की कमी नहीं है। हमारे गाँव में मैं इतने देखता हूँ, इतने सारे क्रिकेटर हैं, हमारे गाँव के अगल बगल में इतने सारे क्रिकेटर हैं, तो काफ़ी मज़ा आता था। और बस किस्मत ये होती थी कि फाइनल। ये कुछ नहीं है भाई, इससे ज़्यादा जब मैं जीतता था तो दोस्त कोई गले से छीन के ले जाता था, कोई बोलता था यार तुम जीते बधाई हो मेरे को दे दो। तो ये तो थोड़ा दो चार हैं, बाकी तो बहुत सारे जीते थे मैंने। और ये है कि मेहनत बहुत करते थे हम, और उसके बाद नींद भी नहीं आती थी भाई। जब हम जीतते थे ना और फाइनल में हार जाते थे ना, उसके बाद नींद नहीं आती थी कई दिनों तक। तो ये बैड लक समझो या किस्मत ही समझो, जो भी है कुछ ना कुछ तो होता था। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। तो ये मैंने अभी भी अपने कमरे में टांगी हुई रहती है। जब जब मेरे को बचपन की याद आती तो मैं इनको ज़रूर देखता हूँ, और वो मोमेंट याद करता हूँ कि एक एक मेडल के लिए हमने कितने कितने दिनों तक मेहनत की थी। और एक आपको पता ही है, जब टूर्नामेंट होता तो सेमीफाइनल या फाइनल तक जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ासकर पहाड़ों में। कभी बारिश होती थी तो कभी कुछ होता था, तो कभी कोई गाली दे देता था कि हमारे खेत में जा रही बॉल ऐसा वैसा। तो मतलब हमारा जो एक टूर्नामेंट होता था ना, 3-3 महीने तक चलता था। तो काफ़ी कुछ होता है यार, इसे देख के तो बचपन की याद आ गई मुझे। तो ये एक ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए एक तोहफा रहता है, जिसको आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं। और इसको मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इसको अपने साथ रखूँगा। क्रिकेट की बात याद करके तो बचपन की याद आ जाती है, लेकिन सच बताएं तो क्रिकेट जो हम खेलते थे ना बचपन में, बहुत बेधड़क बहुत बेझिझक होकर खेलते थे यार हम। चोट भी लगती थी, लेकिन उस चोट के जो दर्द होता था उसका एहसास होता ही नहीं था। तो चले अभी बाजार जा रहा हूँ मामा का दूध देने। रास्ते के हाल आप देखो, यहाँ बारिश में। तो ये दूध मैं मार्केट ले जाऊंगा मामा जी के यहाँ, और बारिश की बूंदाबांदी भी होने लग गई है, तो मुझे जल्दी जाना है और जल्दी घर आना पड़ेगा। तो सावन का महीना बड़ा ख़तरनाक होता है, और इसके बाद जो भादों है वो और ख़तरनाक आएगा।
उसमें ज्यादा टूट फूट होती है। हाँ भाई प्रणाम नहीं है। हाँ बच्चों को याद दिलानी पड़ती है प्रणाम करो। और यार बारिश काफी स्पीड में होने लग गई है, भीग ना जाऊं कहीं। और इस चढ़ाई पे स्पीड में चलना क्या बताऊं, और ऊपर से रास्ता ऐसा कि पांव इधर उधर हुए तो गोबर से पैर लथपथ हो जाएंगे। तो भाई साहब फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सड़क पे। मामा डाउन चलो हम भी लेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए मैं दुकान पे दूध देके आ गया हूँ और मामा ने थोड़ा बहुत सब्जी दी। तो अब चलता हूँ घर क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और बारिश भी लगने लग गई यहाँ से। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आलू है और यहाँ जल रही आग। क्या बनाने आज क्यों साग? तो ये आज आलू का साग बना रही है। इसमें क्या चावल, इसमें चावल लगा रखे हमने। तो अनीता बना रही आलू का साग और चावल। तो हाँ आप लोग कई सोचते होंगे यार कि ये मतलब वीडियो में क्या दिखाता है, किचन ऐसा है वैसा है। तो भाई मैं चाहता हूँ, मैं चाहता ना तो वो सब चीज़ें क्रॉप कर सकता हूँ कि किचन ऐसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो रियलिटी है वही दिखाऊँ। मैं चाहता तो किचन नहीं दिखाता आपको क्योंकि एडिटिंग तो मेरे हाथ में है। तो मैं चाहता हूँ जो रियलिटी है ना वही आप लोगों के साथ फेस करूँ, मैं आप लोगों को वही दिखाऊँ। क्यों फॉर्मेलिटी करूँ यार, फॉर्मेलिटी दो दिन की होती है, तीसरे दिन फिर दिख जाना है। इससे बढ़िया जो जितना है मैं उतना ही दिखाता हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ कोई आँख में चोली खेलना। इसलिए किचन अगर ख़राब है ना तो मैं उसको वैसे ही दिखा देता हूँ। हालांकि मुझे कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि यार मुझे काटना था यहाँ से, काटना था, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अपने ऑडियंस के साथ धोखा करना सही नहीं होता है। जो है आप लोगों के साथ रियल फेस करूँ, जो मेरी रियल लाइफ में हो रहा है वो आप लोगों के साथ भी ऐसे आप लोगों के सामने दिखे। ये खाने का टाइम हो गया और मैं खाना खा रहा हूँ अभी। और अनीता ने बना रखा है आलू का झोल और भात यानी कि चावल। तो ये है दही जो कि आजकल भैंस भी आई हमारी तो उसकी बदौलत हम दही भी पी पा रहे हैं। और ये चावल और ये है आलू का झोल और यहाँ पे रखा हुआ मैंने पानी। तो चले इसको खाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। और खाना काफी स्वादिष्ट हो रहा है, आलू का झोल और उसके साथ दही भी है, तो खाना काफी स्वादिष्ट है। मैंने तो खा लिया है और ये लगी यहाँ खाने पे। अभी मैं खाते खाते हिमाचल वाला का ब्लॉग देख रहा था रवि भाई का, और उनके 6 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और मतलब सच बताऊँ तो खाते खाते जब मैं उनका डांस देख रहा था तो मैं भी खाते खाते नाच गया एकदम, मैं भी डांस करना स्टार्ट किया। और अच्छा लगता है यार, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और गरीब घर से हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उनका स्ट्रगल जो है, उनकी मेहनत दिख रही है। एक दिन आपका भाई भी ऐसी होगा शायद, उस दिन मैं भी भांगड़ा करूँगा, भांगड़ा भांगड़ा और भांगड़ा और भांगड़ा। और अनीता भी बोल रही थी कि भैया जिस दिन आपके कितने सब्सक्राइबर है 1 लाख हो जाएंगे उस दिन हम खुला होकर नाचेंगे। तो जल्दी करा दो फिर उसके बाद देखो फिर क्या क्या होता है। लगभग समय हो रहा है 3:30 और मम्मी ने बना दी चाय। और मम्मी जैसे आई सीधे चाय पे लग गई। और फिर कहाँ जाएगी मम्मी अब? फिर आवार के लिए। अभी मम्मी ने मतलब जंगलों से घास लाया, अब बोल रही कि अपने खेतों से लाऊंगी घास। कुल मिला के बात है कि आराम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए है मां, आराम नहीं करना है बिल्कुल नहीं। किए थे आराम क्यों नहीं करती माँ? तो भैंसा के लिए बस भैंसा पर माया है। तो भाई मेरी मम्मी का बोलना है कि जो भैंस मैंने अपनी बच्चे की तरह जिसको बचपन से पाला है तो उसके लिए भी खाना लाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उसके लिए दुनिया भर का खाना रखा हुआ वो बर्बाद करती है बहुत ज़्यादा। तो अब मम्मी चाय पी रही है तो मेरे को पिला दी, अब थोड़ी देर में निकल जाएगी फिर अपने काम पर हैं। मतलब घर नहीं टिकती मेरी मम्मी, से शाम को आती है बस। तो इधर की बात की जाए तो अनीता बहुत भयंकर लमसेट हो रखी है, क्या हो गया भाई? और यहाँ इसकी चाय रखी हुई है लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ रहा, चाय पी चल ये चाय पी 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 चाय पी शाबाश, उठा 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 चाय उठा उठा उठा। और मम्मी भी अंदर आ गई चाय लेके हैं। तो चलिए मम्मी भी चाय पी रही और मैं भी चाय पी रहा हूँ, क्यों मम्मी? और यहाँ अनीता भी लगी सपोर्ने पे, अनीता उठ गए भाई, जबकि सो रही थी, जैसे कैमरा आता है दम उड़ जाती एकदम खड़ी है। तो भाई साहब कुछ ऐसा है हमारे गांव का भी मौसम देख सकते हैं आप, और हल्की फुल्की धूप भी आ रही थी अभी, लेकिन ज़्यादातर ही मौसम ऐसी अभी। और भाई साहब की बात करें तो आज बंदर भगाने गए थे
और अपने आप थोड़ी देर में आए, तो जैसे मैं बाहर आया तो यहाँ पे लेट रखे थे, तो फिर मैंने फिर से चैन इसके गले में डाल दी। तो चले मम्मी की फिर से तैयारी हो गई और अपनी वही शर्ट पहनने लग गई। ये हमारे शर्ट थे पहले, जब हम बचपन में छोटे थे तो उस समय की हमारी ये शर्ट थी। अब मम्मी पहनती इसको जब कहीं घास घूस के लिए जाती है, इसको पहनती है ताकि मिट्टी मुट्टी या कोई कीट पतंगे काटे ना। क्यों, आप देखो फर्स्ट क्लास मेरी शर्ट पहन ली, मेरी शर्ट है पहली। हाँ तो नहीं तो वही तैयारी है। तो भाई साहब मम्मी ने तो अपनी पगड़ी निकाल दी और अपनी दतड़ी भी हाथ पे रख दी है। और इधर की बात करें तो देखो यहाँ मधु ने पूरा बर्बाद कर रखा है यहाँ घास। ये चलिए चलिए, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज भी सावन लगी हूँ, खूब अजवाल लगी हूँ, सोना का मैंने खूब भरी भरी हुई आज। हाँ तो चल ठीक है, जल्दी है भाई। हाँ तो मम्मी फिर चले गई घास के लिए, आई चाय बनाई, हम सबको चाय पिलाई और फिर से चले गए अपनी घास के लिए। कुल मिलाएगी आराम नहीं करना, बस काफ़ी बहुत ज़्यादा ओवर मेहनत कर ली थी मेरी मम्मी। मैं खुश होता हूँ इतना काम ना करे, लेकिन बस दिन रात काम काम। तो भाई साहब अभी टाइम हो रहा है लगभग, मतलब 7 बज गए, लगभग रात होने वाली थोड़ी देर में। अब तो अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। लोगों की तो लाइट खुलने लग गई, मकान की, घर की, कमरे की, जो भी है सबकी लाइट खुलने लग गई। तो कुछ ऐसा है अभी का व्यू। और इधर की बात करें तो भाई साहब को अभी बहुत भयंकर गहरी नींद है। ओए शेरू। और इधर की बात करें तो मधुली और सपना को बाहर रखा है, और जरा अंदर जाएं गौशाला के अंदर क्या हो रहा है। क्या मगनी मम्मी लगी यहाँ, अरे मम्मी लगी यहाँ। तो भाई साहब इसको बांध रही है देते। तो मम्मी ने इसको दूध पिला दिया है, हैं? हाँ इसको दूध पिला दे, देखो कितना खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक है। यहाँ लाइट का सिस्टम भी लगा रखा है मैंने, और अब यहाँ उजाला हो गया लगभग। और जैसे ही मैंने कैमरा लाया, अनिता ने निकाल दिया बिल्कुल कॉपी है, पढ़ाई कर रही अभी कैमरे के सामने, ऑन कैमरा, ऑन कैमरा है। तो अब खाने की तैयारी होगी, थोड़ा दूध मैं भाई साहब के यहाँ ले जाऊंगा। तो चलिए इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। तो आज दिन का आपने शेड्यूल देखा, इतना ही रहा, कहीं जा नहीं पाया, लेकिन अभी धीरे धीरे मैं बहुत जगह जाने वाला हूँ, बहुत जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहाड़ी भाई पीलो चाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।